ये जो लेक है उसका नाम है चांदली बिल लेक। जब -15 डिग्री होता है तो पूरा लेक फ्रीज हो जाता है। सो कुबा में है किचरेश फॉरेस्ट और वो इतना ज़्यादा ये रूट फेमस है फॉर द ड्राइव। जितना आगे जाओगे ऐसे आपको है ना फॉरेस्ट में ऐसे रेस्टोरेंट्स मिलेंगे और यहाँ से जो ऊपर पहाड़ तक जाती है एक वो वाली यू नो खुद आपको जो ब्रेक से कंट्रोल करने वाली ट्रेन होती है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एडवेंचरस। हाय हिमांशी, दिखाई दे रहा है ये है एक नई कंट्री अज़रबैजान। आपने मेरा अगर पहला एपिसोड देखा हो तो आपको पता ही होगा कि मैं लैंड हो चुकी अज़रबैजान में और जिसका कैपिटल है बाकू, जो हमने एक्सप्लोर किया। और आज के एपिसोड में आप देखोगे बेहतरीन सी रोड ट्रिप, ये है मेरी गाड़ी। तो इस गाड़ी से मैं निकली हूँ बाकू से एक प्यारा सा हिल स्टेशन जो बहुत फेमस है जिसका नाम है कुबा। और नॉर्मली ये हिल स्टेशन पे लोग स्की करने के लिए आते हैं विंटर्स में। ये सारे रोड्स पे -15 डिग्री टेम्परेचर होता है, जस्ट इमेजिन क्या वेदर होगा। अभी फिलहाल समर है फिर भी बहुत अच्छा वेदर है, अगस्त एंड चल रहा है, इज अ परफेक्ट सीजन टिल सितंबर अक्टूबर इवन विंटर। यानी अज़रबैजान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर आप 365 डेज इन अ ईयर ट्रैवल कर सकते हो, वेदर इतना खूबसूरत होता है। सो ये आज के एपिसोड में देखोगे आप एक प्यारा सा हिल स्टेशन करने वाली बहुत सारी ऐसी चीज़ें, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड में मैंने दिखाया था आपको बाकू की नाइट लाइफ, बाकू का इवनिंग, बाकू की दोपहर, बाकू का ट्रैफिक। और अभी इस एपिसोड में देखोगे नेचर, पीसफुल लाइफ। तो रास्ते में जब जाते हैं आप ड्राइव करते करते ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे दुकान मिल जाते हैं जहाँ पर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। हाउ मच फॉर दिस? व्हाट इज दिस? ज़ोगा, सुपर ज़ोगा। चेरी? चेरी? चेरी। हाउ मच मानत? 3 मानत। 1 केजी? 1 किलो 3 मानत। ओके। जो ना नई नई जगह पे जब फ्रूट्स ट्राई करते हैं अलग होता है, ये क्या है समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा ड्राई है, बड़ी चेरी तो नहीं है, पता नहीं क्या है। वाओ, गिव मी 1 केजी दिस। टू शेयर्स, डू वन थिंग, हाफ अ केजी दिस, हाफ अ केजी दिस। अपने 150 रुपये में तो मज़े है। 3 मनत का 1 किलो, ओके, सो होता है अपना 150 रुपये ऑलमोस्ट, तो काफ़ी अच्छा है। अपने महाबलेश्वर माथेरान की याद आ गई। देवांशी कहाँ चली जाती है यार? सो यू स्लेप वेल राइट? एंटायर रोड आई वॉज ड्राइविंग, आई नो मैं ड्राइव कर रही हूँ, मैडम सो रही है, आई मीन सीरियसली। देखो सब कुछ संभालना पड़ता है मुझे, बैग, कैमरा, माइक, GoPro and all. So, ये तो सो रही थी तो हम पहुँच गए। This is the hill station Kuba. It's so beautiful. We are feeling so relaxed. Makara, the resort जो आपके पीछे दिखाई दे रही है, अपना ट्री हाउस है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये स्टे के लिए, टू शो यू द रूम। चलो अंदर जाते हैं, चेक इन करते हैं। बढ़िया व्यू है, पता है मेरे रूम से बाहर आ गई, मुझे इतनी नींद आ रही है, आई डोंट नो व्हाई। सो अभी कॉफ़ी पीने आ गई हूँ और यहाँ से मैं एक बहुत प्यारी जगह जब जा रही हूँ, नहीं यहाँ से मैं बाहर निकल कर आपको व्यू दिखा दूँ, इतना सुंदर है होटल से बाहर। हेलो, हेलो गाइस, सलाम। अच्छा यहाँ पर सलाम बोलता है, हेलो को सब लोग सलाम बोलता है। तो यार अभी बहुत प्यारी मेरी कॉफ़ी दे दी इन लोगों ने, सो आई एम हैप्पी विथ माई कॉफ़ी। ये जो लेक है उसका नाम है चांदली बिल लेक
और पता है मुझे ये लेक देख के स्विट्जरलैंड की याद आ गई है. आई मीन यहाँ पर सोचो स्नो होता है, जब -15 डिग्री होता है तो पूरा लेक फ्रिज हो जाता है. यानी अभी जो एक ग्रीन लेक दिख रहा है वो बर्फ़ में ट्रांसफ़र हो जाता है, और यहाँ से ये होटल से पूरा ये बर्फ़ पहाड़ों पे बर्फ कितना सुंदर दिखता होगा. सो आई एम डैम श्योर अगर दिसंबर जनवरी फरवरी में भी आते हो तभी भी ये जगह बहुत सुंदर होगी. पूरा रोड आपको दिखाई दे रहा वो है किचरेश फॉरेस्ट, और वो इतना ज़्यादा ये रूट फेमस है फॉर द ड्राइव. जितना आगे जाओगे ऐसे आपको है ना फॉरेस्ट में ऐसे रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, लाइट्स प्यारी सी. एंड सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगता है यहाँ की टैक्सी, सी द डिज़ाइन ऑफ द टैक्सी कितनी प्यारी है, पूरी क्लासिक लग रहा है, एकदम पुरानी डिज़ाइन वाली टैक्सी राइड. Here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. By heaven, Mustarga, that's a mountain range in Cuba. काफ़ी हाइट पर हो भी मैं, और यहाँ से मुझे इतनी ज़्यादा फील आ रही है. आई मीन इट्स लाइक हेवन में खड़े हो. ऊपर चलते जाओ इतने सारे कैफेज रेस्टोरेंट्स, एंड सामने सी पूरा फॉगी वेदर. अभी थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रहा है. सो इट वॉज प्रेटी गुड ड्राइव. रूम्स भी हैं उन लोगों के, रेस्टोरेंट्स एंड रूम्स जहाँ पर भी फिलहाल मैं हूँ. ये पूरा जो माउंटेन रेंज दिखा रहा है वो है गरज माउंटेन, गरज विलेज. यानी हाईएस्ट 300-400 उनका, यानी इतना ही पॉपुलेशन है. और इसमें बसा हुआ ये एक टाउन छोटा सा पहाड़ों के बीच में, जिसमें काफी सारे रिजॉर्ट भी है, गरज. कताब और कुताब, कुदाब, कुताब भूल ही जाती हूँ. बट ये यहाँ का बहुत फेमस फूड है कुताब. यहाँ पर भी सोचा ट्राई कर लेते, क्योंकि वेज में ज़्यादा वैसे भी ऑप्शन मिलते नहीं है ये सारे कंट्री में. ये है कुताब, वेरी चीज़ी स्पिनच, हेल्दी भी है. कुताब ज़रूर ट्राई करना कभी भी लाइफ में अगर अज़रबैजान आते हो. बस फिर ये खा के निकलेंगे वापस होटल. ओह थैंकफुली वेदर अच्छा है, इट्स सनी नाउ, माई कार इज़ रेडी नाउ, एंड आई एम मूविंग टू अ प्लेस जो कुबा से है करीबन 1 घंटे की दूरी पे. आई मीन आप जब कुबा में आते हो तब अज़रबैजान का जो हिल स्टेशन कुबा के आगे और 1 घंटे की दूरी पे है शादाग. शादाग जो है वो विंटर में ज़रूर विजिट करने वाली प्लेस है, बिकॉज इट्स अ स्की रिजॉर्ट. जैसे हमारे कश्मीर में गंडोला में अलग अलग स्टेजेस है जहाँ पर आप जाते हो एंड वहाँ से भी स्की होती है, उसी तरीके से यहाँ पर भी होती है. सो ब्यूटीफुल प्लेस, आई कांट टेल यू. सो देयर आर लॉट ऑफ एडवेंचर्स टू डू एंड एंजॉय द एंटायर डे. And that's how I'm driving now. Let's move. So here is the coffee shop with the view, and I just thought to have a coffee. Devanshi also was feeling sleepy, right? Dekho kitni dull lag rahi hai. सो या मैं गाड़ी चला रही थी, उसको भी नींद आ रही थी, मुझे भी नींद. आई डोंट नो क्यों, बट थोड़ा सा वेदर काफ़ी क्लाउडी, बड़ा अच्छा है वैसे तो, बट फिर भी थोड़ा सा लग रहा था कि कॉफ़ी ले लेता था कि थोड़ा चार्ज हो जाए. और भी आधे घंटे की ड्राइव है ऑलमोस्ट. रोड्स आर ब्यूटीफुल, सीनिक रूट्स है, आस पास थोड़ी ग्रीनरी, छोटे छोटे विलेजेस आते हैं. बहुत अजीब से नाम है जो मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, बढ़िया इंटरेस्टिंग. वाह बहुत बढ़िया.
गॉड आगे पक्का बारिश हो रही है फॉर श्योर। इतनी प्यारी जगह, मैं सोच रही हूँ जो छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे हैं, इवन बड़े बड़े रिजॉर्ट्स भी है, यानी यहाँ पे तो दूर दूर तक कोई मार्केट ही नहीं है। यानी ये जगह विजिट करने के लिए यू नीड टू रेंट अ कार, टैक्सी में ही आना पड़ेगा, कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है ये कंट्री में। मैंने ये देखा बाकू के अलावा आसपास जो छोटे छोटे हिल स्टेशन है वहाँ पर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हमारे वहाँ पर फिर भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। सो या यू कैन डेफिनेटली मेक अ प्लान फॉर अ डे। शाबांग यहाँ से ऑलमोस्ट 2 मिनट की दूरी पे है, तो मैंने उसके बाहर ही अपनी कार खड़ी कर दी है क्योंकि आसपास इतना सुंदर लग रहा था। पीपल आर रियली गुड। मैं रस्ते में बहुत सारे लोग आ रहे थे, मैं शूट कर रही थी, अपनी गाड़ी रोक दे रहा है। सो या देयर इज अ फार्म हाउस जहाँ पर मैंने अभी गाड़ी यहाँ पे पार्क करी है, एंड सी देयर इज एक्चुअली हाउस। आई थिंक दीज पीपल दे आई मीन इज अ फार्म हाउस खेती कर रहे हैं यहाँ पर या क्या है, आई डोंट नो, बट इंटरेस्टिंग। This place is Shadag Coaster Train, और यहाँ से जो ऊपर पहाड़ तक जाती है एक वो वाली ना खुद आपको जो ब्रेक से कंट्रोल करने वाली ट्रेन होती है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एडवेंचरस। काफ़ी लोगों को जब ऊपर जाते हैं तो डर लगता है, नो नीड कि आपको डरने की ज़रूरत भी पड़े, मैं ज़रूर आपको बोलूँगी हिम्मत करके बस चले जाना, इट्स सुपर ब्यूटीफुल। सोचो यहाँ पर होती है स्नो, दिस इज़ द ब्यूटीफुल स्की डेस्टिनेशन ऑल्सो। यहाँ पर आस पास काफ़ी रिजॉर्ट्स भी है, वहाँ से दिख रहे हैं उसके रेल के जो ट्रैक्स बने हैं सारे, ओके। और यहाँ से हमें लेनी है टिकट्स, देखते हैं क्या है टिकट के प्राइस। यहाँ पर रोपवे भी है, तो आई चूज दिस वन बिकॉज रोपवे मेरे लिए बहुत कॉमन हो जाता है, तो मुझे लगा कि मैं ट्रेन में ऊपर जाती हूँ। लेट्स मूव। थोड़ा सा लाइन है, ज़्यादा नहीं है। हाँ, सो मच एक्साइटेड, आर यू? वेरी एक्साइटेड। मैंने इसको बोला अकेले अकेले जाते हैं, वैसे ऐसी जो माउंटेन वाली कोस्टर ट्रेन होती है ना, कोस्टर ट्रेन, उसमें लोग जाते हैं आगे पीछे। मैंने बोला यार लेट्स गो सेपरेटली एंड एंजॉय दिस ब्यूटी, क्योंकि आगे से वो व्यू मिलेगा ना, तो बस अभी हमारा नंबर आ जाएगा बहुत जल्दी, देन यू विल सी सम मैजिकल व्यू। हाय हिमांशी, सो एक्साइटेड, मी टू, ओ माय गॉड, वी बोथ आर सो एक्साइटेड एक्चुअली। रिजॉर्ट दिख गया, वाओ, आई मीन यहाँ पे रह सकते हो, इसको बोलते हैं स्की रिजॉर्ट। सो यू हैव 1 आवर, आराम से घूमो, थोड़ा हाइक करो, क्लाइंब करो, या बस फिर वापस जाने का टाइम आ चुका है अपना। भाई क्रेजी फन, कैसा रहा? वेरी नाइस। डर लग रहा था तुझे? थोड़ा सा बीच में, बट इट वाज सो मच फन। By God, यानी ये चीज है, यानी विंटर में ये नहीं हो सकता ना, क्योंकि हर जगह स्नो रहेगा, तो ये समर एक्टिविटी है विंटर में। आपको अच्छी बात है, हमने अलग अलग लिया। हाँ, मैंने तुझे बताया था ना, नहीं तो आगे का व्यू मिस कर जाता है। मैं तो पता नहीं, एक हाथ में GoPro, एक हाथ में Insta360, मेरा बारिश शुरू हो गई, और अभी हमें जाना है एक अच्छी और जगह। आई मीन पता नहीं मैं आज जाए या कल जाए, वी स्टिल कन्फ्यूज। सो या लेट्स गो, अभी नीचे तक पहुँच चुके हम लोग। माई गॉड, हमने क्या देखा आज, was rainbow on the road. Himanshi, I am so emotional right now, seriously, I'm out of words. Main to bad hi ek do, I mean aisa kabhi nahi dekha, abhi bhi idhar hi khade hum log thi, thoda thoda bas ja raha hai abhi, ye dikh raha hai। वैसे कुछ खाया तो है नहीं, एंड आई फील हंग्री, सो ब्यूटीफुल प्लेस। बस बात ये है कि जगह तो सच में बहुत अच्छी अच्छी है, पहाड़ों के बीच में। साहब राइस, बैंगन का भरता जैसा कुछ, एंड लेंटिन सूप। मैं दाल सब्जी चावल समझ के खाने वाली हूँ,
मैंने मांगा था वेजिटेबल पोटैटो टोमेटो एंड चिली, तो ये ग्रिल करके ऐसे लेके आए हैं. नॉट बैड, सो स्वीट. यानी ये देखो. एंड अगेन नेक्स्ट डे मकारा बोट, मकारा लेक. सो ये जो है वो मकारा, यहाँ पर बोटिंग होती है, पेडल बोट है, बहुत सुकून वाला चीज़ है. मैं बट मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं अपने पैर से भी पेडलिंग नहीं कर सकती, तो मैं इग्नोर कर रही हूँ इस चीज़ को. पर मैं और दिवांशी हम दोनों अकेले ही है, तो हम ऐसे ही घूम रहे थे. जगह अच्छी और सनी भी है तो अच्छा लग रहा है. आसपास एक दो कैफे भी है, सी सामने भी है, तो ये एग्जैक्ट जो हमारी होटल है वहाँ से नीचे ही आके है. तो हम लोग यहाँ पर नीचे आ गए थोड़ी देर इंजॉय करने के लिए, बिकॉज इसके बाद हम लोग जा रहे हैं एक क्रेजी एडवेंचर के लिए जो है यहाँ से करीबन 1.5 घंटे की दूरी पर, टूवर्ड्स बाकू. व्हाट्सअप, कैसे हो, क्या बोलना चाहते हो? यहाँ पर तोता मिल गया है. तोता 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 भाई गुस्से वाला है एकदम. पर अभी हम पेट्रोल फिल करा रहे हैं. भाई यहाँ पे पेट्रोल का प्राइस तो सस्ता ही होगा ना, पेट्रो कंट्री ऑफ कोर्स. 1 मंथ आई मीन 48 to 50 रुपीस फॉर 1 लीटर, हमसे 60% चीपर. बढ़िया. तो गाड़ी चलाने में पेट्रोल तो बहुत कम लगता है रोड ट्रिप में. इतना वियर्ड फीलिंग आ रहा है. मुझे ये स्पॉट दिया गया है कि यहाँ पर आपको पहुँचना है और यहाँ से जाना है पैराग्लाइडिंग करने. सो पैराग्लाइडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्पोर्ट, आई मीन एडवेंचर है ये. अज़रबैजान में ज्यादा कुछ एडवेंचर है नहीं. ब्यूटी, माउंटेन्स, रिवर, ओशियन एंड बाकू अबाउट द नाइट लाइफ कैपिटल जो है वो. बट ये एक एडवेंचर जो मुझे अच्छा लगा तो उसके लिए मैंने सोचा कर ही लेते यहाँ तक है. तो अब ये दरगाह है जिसके सामने मैं खड़ी हूँ एज पर द लोकेशन, और सामने कॉफ़ी शॉप है जहाँ पर मुझे बुलाया है. फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आसपास मुझे कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, बट जहाँ तक मुझे पता है ओशन व्यू पे हम करने वाले हैं पैराग्लाइडिंग. सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस. बाकी की डिटेल्स मैं आपको बहुत जल्दी देती हूँ, बट सी दिस एरिया लुक्स लोकल. और ये सामने दरगाह है तो आई थिंक काफ़ी लोग यहाँ पर आते जाते गुजरते दर्शन करने के लिए. मॉस्क है, आते होंगे. चलते चलते वापस पैर हो गया मेरा ट्विस्ट, यानी ट्विस्ट हुए पैर पे भी वापस ट्विस्ट हो जाता है और सडनली ऐसा जर्क आता है. अभी मैंने आइस बैग मांगा है. आई वॉज टॉकिंग विद हिम ऑन इंस्टाग्राम एंड मैं यहाँ पर आपको डिटेल्स देती हूँ अगर पैराग्लाइडिंग करना है. क्या कूल बन रहा है यार, ये सुपर कूल. ही गॉट मी दिस आइस क्यूब्स टू अप्लाई ऑन माई लेग एंड आज हम लोग करने वाले सुपर फन जो है पैराग्लाइडिंग. स्टे ट्यून, आपको बताती हूँ. अभी कॉफ़ी शॉप में बाहर आया है तो थोड़ा यहाँ पर कॉफ़ी वॉफी पी लेते हैं, चिल करते हैं, उसके बाद जाते हैं. भाई ऐसा एडवेंचर हो रहा है कि आज तक तो नहीं हुआ. आई मीन हमारे वहाँ पर माउंटेन पे जब हम पैराग्लाइडिंग करने जाते हैं ना तो बलेरो और ऐसी ऐसी स्कॉर्पियो में लेके जाते हैं. पता नहीं ये कौन सी क्लासिक कार है, देखी ना, पर बड़ा फन है. ओके, दिवांशी का तो फर्स्ट टाइम है. ये जो सुंदर जगह दिखाई दे रही है वो है बेश परमा, और ये जो कंपनी है जिनके साथ हम पैराग्लाइडिंग करने आए वो है पैराशूट बाकू. देखो यार क्या है कि हमें कभी भी अपने देश के साथ कोई भी चीज का कंपेयर नहीं करना. आई मीन मैं सच में यहाँ पर आके, भाई हमारा 500 मीटर अपना बीर बिलिंग का कितना होता है मुझे पता नहीं, बट ये भी काफी ऊपर है. पहले मैं सोच रही थी कि यहाँ से मुझे जाना कहाँ पर है. आई मीन मुझे रस्ते पे जब मैं चल रही थी और जब पैराशूट की साइट पे हम लोग आ रहे थे, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हम कहाँ जा रहे हैं. मुझे कहीं पहाड़ नहीं दिखाई दे रहे थे. जैसे ही मैंने पहाड़ क्रॉस किया और पीछे जो लोकेशन फेनोमिनल, आई मीन अभी यहाँ से मुझे सी व्यू दिखाई दे रहा है. सो तो बेसिकली यहाँ से हम पैराग्लाइडिंग स्टार्ट करेंगे एंड वी आर फेसिंग सी, जो अपने इंडिया में नहीं है. हमारे वहाँ से पहाड़ पहाड़ पहाड़, बढ़िया समुंदर के सामने ऊपर आप उड़ रहे हो और जो फील हो रहा है, ओ माय गॉड. सो या दैट्स व्हाई आई एम हियर. और यहाँ पर हम करेंगे पैराग्लाइडिंग. व्हाट्स द कॉस्ट बाय द वे इफ समवन वांट टू डू हियर? सो व्हाट यू चार्ज, हाउ मच डॉलर यू चार्ज डॉलर फॉर द पैराग्लाइडिंग?
$800 per person. So normally 800% अभी foreign है ना, इंडिया में नहीं है, बाहर जब होते हो तो चीजें हर चीज डबल होती है. ओके, 7,000-7,500 रुपया है, बहुत नॉर्मल है, अपने इंडिया में 4,000-5,000 रुपया होता ही है. बट आप कर रहे हो अज़रबैजान में पैराग्लाइडिंग, सो आई एम सो मच एक्साइटेड. नाउ यू विल सी मी फ्लाइंग इन द स्काई टूवर्ड्स दिस सी. ओके, सो अपना टाइम आ चुका है हेलमेट पहनने का. भाई हम चालू तो इधर से कर रहे हैं पर लैंड कहीं दूर करने वाली हूँ. थोड़ा सा पैर का इश्यू है तो अभी मैंने अपना सपोर्टिव बूट पहन लिया है. ज्यादा दौड़ूंगी नहीं, वैसे भागना पड़ता है, भाग भाग के उड़ना है. बट आई विल कंट्रोल ऑन माय लेग फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि मुझे डैमेज नहीं करना है, तो मैंने उनको ऑलरेडी पहले इन्फॉर्म कर दिया है. सारी चीजें आपको पता चली गई है. आई एम ऑल सेट, वेदर इज गुड, परफेक्ट टू फ्लाई नाउ, एंड वी आर फ्लाइंग नाउ. 1 2 1 गो. दबाए दबाए के शो है किस तो आ चुकी हूँ मैं अभी यहाँ पर, और ये है वापस बाकू, एंड दिस इज माय होटल इंटरकॉन्टिनेंटल. तो यहाँ पर मेरा 2 दिन का स्टे है. गोना एक्सप्लोर मोर सिटी बाकू, एंड देन मैं निकलूंगी एक प्यारी जगह जो है अगेन नियर बाकू, बट नॉट एग्जैक्टली नियर, जो यहाँ से 5-6 घंटे का ड्राइव, बट बहुत ब्यूटीफुल ड्राइव होने वाला है जो आप देखोगे नेक्स्ट एपिसोड में. सो यहाँ पर होगी थोड़ी मस्ती, थोड़ी धमाल, और जब निकलूंगी वो एपिसोड देखोगे आप बहुत जल्दी. सो आज के एपिसोड की मस्ती, फन, एडवेंचर अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज जल्दी से लाइक एंड शेयर एंड घंटी दबा देना ताकि नेक्स्ट एपिसोड का नोटिफिकेशन मिले. मिलते बहुत जल्दी. लव यू ऑल. बाय फ्रॉम अज़रबैजान.